चलिए गुड मॉर्निंग। तो हम लोग आज क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्पेंडेंस। और लिस्पेंडेंस का रूल ये कहता है कि किसी भी प्रॉपर्टी के संबंध में अगर कोई सूट पेंडिंग है कॉम्पिटेंट कोर्ट में तो उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। अगर इन दो लोगों के बीच में प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में है तो इसमें से कोई भी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकता, विधि तो यही मना करती है। और लॉ ये भी बताती है कि अगर ट्रांसफर कर ही दिया जाए तो उसका क्या इफेक्ट होगा, ये वॉइड हो जाएगा, वॉइडेबल हो जाएगा या फिर इलीगल होगा। इसी चीज को हम लोग इस लेक्चर के अंतर्गत देखेंगे। सामान्यतः तो यही मान के चला जाता है, पहली तो बात यही है कि अगर किसी प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में है तो उस प्रॉपर्टी को किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते। चलिए तो अब इससे आगे हम लोग पढ़ते हैं। दो चीजें आप देख रहे हैं, एक है लिस और एक है पेंडेंस। लिस है और पेंडेंस है। लिस का मतलब होता है सूट या प्रोसीडिंग, सूट और प्रोसीडिंग मतलब वाद या कार्यवाही। और पेंडेंस का मतलब है कि ऐसी कार्यवाही के पेंडिंग या पेंडिंग यानी लंबित रहने से। ठीक है ना, लिस्ट पेंडेंस यानी यानी लिस्ट पेंडेंस का क्या मतलब हो गया, से तात्पर्य ऐसे लिस्पेंडेंट से तात्पर्य ऐसी कार्यवाही से है जो अभी पेंडिंग है, जो किसी सक्षम न्यायालय में पेंडिंग है। किसी सक्षम न्यायालय में पेंडिंग है, ऐसी स्थिति में वाद के पक्षकार ऐसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकते। गुड मॉर्निंग बच्चों। अगर किसी कार्यवाही को, किसी संपत्ति के संबंध में कोई कार्यवाही पेंडिंग है और वो पेंडिंग किसी कंपिटेंट कोर्ट में है तो वाद के जो पक्षकार हैं उस प्रॉपर्टी को किसी अन्य को ट्रांसफर नहीं कर सकते। अच्छा, इसकी शुरुआत कहां से आई, यानी लिस्पेंडेंस का रूल कैसे आया? ये आया है बेलामी वर्सेस
बिलामी वर्सेस सेबाइन की केस है ना, ये प्री में पूछी जाती है कि कौन सी केस से लिस पेंडेंस का केस आया, या फिर लिस पेंडेंस से संबंधित कौन सी केस है। तो बेलामी वर्सेस सेबाइन, इसमें लॉर्ड जस्टिस टर्नर थे, लॉर्ड जस्टिस टर्नर, और उसमें यही नियम जो आप सेक्शन 52 में देख रहे हैं वो नियम इसी केस के परिणाम स्वरूप ही आया था। इस केस में प्रिवी काउंसिल ने जो निर्णय दिया उसी निर्णय को सेक्शन 52 में डाला गया। तो अब बेलामी वर्सेस सेबाइन का केस लिखे बिना आप लिस्पेंडेंस का रूल नहीं लिख सकते। क्या कहा था कि उन्होंने निर्णय दिया था कि यदि यदि वाद के पक्षकारों को, वाद के पक्षकारों को वाद के लंबित रहते, वाद के लंबित रहते संपत्ति को ट्रांसफर करने की अनुमति दे दी जाए, की अनुमति दे दी जाए तो वाद को अंतिम परिणाम तक, अंतिम परिणाम तक पहुंचाना असंभव हो जाए। हाँ बिल्कुल लेट हैं आप लोग। ठीक है, बेलामी वर्सेस सेबाइन के मामले में लॉर्ड जस्टिस टर्नर ने बात कही थी कि ये संभव नहीं है कि हम लोग केस के पेंडिंग रहते अलाउ कर दें कि पार्टी ट्रांसफर कर दें, तो पार्टी जो हारने लगेगी ट्रांसफर कर देगी, तो ये समस्या आएगी ना, इसलिए ये अलाउ करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि केस किसी प्रॉपर्टी के लेके डिस्प्यूट अगर पेंडिंग है तो ये है बेटा, ये हुआ है, ये यहाँ है, फिर उसके बाद एक यहाँ है, और फिर ये तीसरे पेज पर है, हम बाद में दिखा दूंगा, नोट कर लीजिएगा। तो ये है, ये केस जरूर याद कर लीजिएगा, बेलामी वर्सेस सेबाइन की केस। यह सिद्धांत जो है ना एक सूत्र पर आधारित है, सूत्र पर आधारित है। अब कौन सा सूत्र है ये? सूत्र है पेंडेंटे लाइट, पेंडेंटे लाइट निहिल इनोवेचर, पेंडेंटे लाइट निहिल इनोवेचर। इसका मतलब होता है पेंडिंग ए लिटिगेशन, पेंडिंग ए लिटिगेशन नथिंग नथिंग न्यू शुड बी इंट्रोड्यूस्ड, पेंडिंग ए लिटिगेशन नथिंग न्यू शुड बी इंट्रोड्यूस्ड, पेंडेंट लाइट इन इनोवेचर।
यानी सूत्र पर आधारित वो सूत्र कहता है कि वाद के लंबित रहते कोई नई चीज प्रवर्तित नहीं की जानी चाहिए, वाद के लंबित रहते कोई नई चीज प्रवर्तित नहीं की जानी चाहिए। वाद के लंबित रहते कोई नई चीज प्रवर्तित नहीं की जानी चाहिए। तो ये है सूत्र जिस पर यह आधारित है। अरे पेंडेंटे टाइप कुछ दिखा तो समझ जाइए बावन से संबंधित, और वो मना कर रहा होगा कि नहीं कर सकते। अब जितने से बात अगर हो जाती तो बच्चे क्या करते, ये लगा देते कि पेंडिंग केस है तो वो प्रॉपर्टी का ट्रांसफर वाइड होगा। लेकिन यहाँ ये अच्छी बात है नहीं, मना भी करता है और उसको शून्य भी घोषित नहीं करता, वैध हो जाता है कभी कभी और कभी कभी वाइडेबल हो जाता है। ठीक, तो यहां तक बात हो गई। अच्छा, जो बात हो रही है वो समझ में भी आ रही है? ऑनलाइन वाले बच्चे एक बार बताएं। ठीक है ना? ठीक है, थैंक यू। चलिए आगे बढ़े फिर इससे, देखिए। अच्छा, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, उद्देश्य क्या है, एम क्या है, क्यों ऐसा किया गया है, क्यों ऐसा किया गया है? टू अवॉइडिंग द एंडलेस लिटिगेशन, Avoiding the endless litigation, इसका मतलब है वाद की बहुलता को रोकना, दूसरा है टू प्रोटेक्टिंग the either party to protecting the either party against the act of another, एक पक्षकार के कार्य से दूसरे पक्षकार के दूसरे पक्षकार को प्रभावित होने से रोकना, टू अवॉइड the abuse the legal process मतलब विधि की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकना, विधि की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकना। Hmm?
मतलब इसका पर्पज ये है कि एक अगर ये करना है कि भाई एंडलेस लिटिगेशन को रोक देना है, क्योंकि ऐसे अभी हमने कहा ना, लार्ज जस्टिस टर्नर ने यही बात कही थी कि अगर किसी केस को किसे संबंधित राइट पेंडिंग और उसको ट्रांसफर करने का दे दिया जाएगा हक, तो असंभव है कि रिजल्ट तक पहुंचे मामला। तो इसीलिए ये है कि एंडलेस लिटिगेशन को, अनंत कार्यवाहियों को जो है उस पर प्रतिबंध लगाना। दूसरी बात, एक पक्षकार के कार्य से, जब केस पेंडिंग, तो एक पक्षकार के कार्य से दूसरे पक्षकार को प्रभावित होने से रोकना। और तीसरा है कि विधिक प्रक्रिया के दुरुपयोग से रोकना। ये पर्पज है इस प्रोविजन को लाने का, कि ताकि पार्टी के राइट को प्रोटेक्ट किया जा सके, कि एक पक्षकार जब हारने लगे या उसे लगे कि मैं नहीं केस जीत पाऊंगा, तो उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करके एक नया डिस्प्यूट में खड़ा कर। गुड मॉर्निंग। अब इसके लिए एसेंशियल्स क्या हो जाएंगे, क्या क्या चीजें निकल के आएंगे? आवश्यक तत्व तो क्या निकल के आ रहे हैं कि सूट या प्रोसीडिंग का, सूट या प्रोसीडिंग का पेंडिंग होना, पहली शर्त क्या है, कोई सूट या प्रोसीडिंग लंबित है, कोई वाद या कार्यवाही लंबित है। दूसरी बात, ऐसी यानी ऐसा सूट या प्रोसीडिंग, ऐसा सूट या प्रोसीडिंग किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट में, कॉम्पिटेंट कोर्ट में पेंडिंग होना। यहां हमने क्या कहा था, पेंडिंग, और कहां पेंडिंग, हाँ ये सक्षम न्यायालय में, वाद या कार्यवाही किसी सक्षम न्यायालय में लंबित, वाद या कार्यवाही किसी सक्षम न्यायालय में लंबित। पक्षकारों के बीच, पक्षकारों के बीच कोलूजन ना हो। कोलूजन समझते हैं क्या है, दुरभिसंधि। अब दुरभिसंधि क्या है, षड्यंत्र, कि पक्षकारों के बीच कोई दुरभिसंधि नहीं होनी चाहिए। अब ये दुरभिसंधि का मतलब षड्यंत्र है एक तरीके से, षड्यंत्र का मतलब ये प्रॉपर्टी है, ए और बी दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, जैसे दो भाई हैं मान लीजिए, इनको पता है कि हमारे पास डिस्प्यूट तो हम कर देते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी किसको मिलेगी लास्ट में इनको पता है, या फिर ये एक दूसरे जानते हैं कि बाद में हम एविडेंस देना बंद कर देंगे तो तुम्हें को मिल जाएगी या हमें मिल जाएगी। तो ये लोग जानबूझ के इस प्रॉपर्टी से संबंधित कोर्ट में केस फाइल कर देते हैं। क्या हुआ है इन लोगों के बीच, कोलूजन है कि, और फिर उसके बाद एक आदमी उसको ट्रांसफर कर दे। अब हुआ ये, होगा ये, इसका क्या फायदा मिलेगा आप तो सोच रहे होंगे कि क्या फायदा मिलेगा। कहता है कि भैया अब जब ट्रांसफर कर दिए तो एक फायदा ये हो जाएगा कि अब ये केस चलेगी 20 साल, तो 20 साल केस चलेगी, अगर ये डिसीजन आ गया कि नहीं जिसने बेचा है उसको तो बेचने का हक ही नहीं था, ये बेच सकता है, तो अब क्या होगा, अब 20 साल बाद मान लीजिए उसने 2 लाख रुपए लिए हैं उस प्रॉपर्टी के, 2 लाख दे के फिर प्रॉपर्टी ले लेगा, 2 लाख की वैल्यू तब तक तो 50 लाख हो जाएगी, तो नुकसान हुआ ना इस आदमी का। तो इसीलिए इन लोगों के बीच षड्यंत्र होगा तो फिर ये नियम लागू नहीं होगा जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इनके बीच कोलूजन नहीं होना चाहिए।
षड्यंत्र नहीं होना चाहिए, जानबूझ के कोई केस मुकदमा ना हो जिससे कि पार्टी के राइट प्रभावित हो। नेक्स्ट है ऐसे सूट या प्रोसीडिंग से दूसरे पक्षकार के उस इमूवेबल प्रॉपर्टी से संबंधित अधिकार प्रभावित होते। मतलब ये कि भाई ये तो स्वाभाविक सी बात है, लिखा है हमने कि ऐसे सूट या प्रोसीडिंग से दूसरे पक्षकार के इमूवेबल प्रॉपर्टी से संबंधित अधिकार प्रभावित, जो प्रॉपर्टी सेल की जा रही है अगर ये सेल कर दे रहा तो उससे दूसरे को नुकसान होने लगा, उसे अधिकार को कह सकते हैं नेगेटिव इफेक्ट डाल रहा। नेक्स्ट है विवादित संपत्ति वाद के लंबित रहते किसी पक्षकार ने ट्रांसफर कर दी हो, कहानी क्लियर है इसकी भी कि किसी पक्षकार ने ट्रांसफर कर दिया हो। ये सारी चीजें आपको इस धारा के लिए याद रखें, सूट या प्रोसीडिंग का पेंडिंग होना, सूट या प्रोसीडिंग का किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट में पेंडिंग होना, पार्टी के बीच कोलूजन का न होना, एक पार्टी के ट्रांसफर करने से दूसरे पार्टी के राइट को प्रभावित होना, और ऐसी प्रॉपर्टी को केस के पेंडिंग रहते ट्रांसफर कर देना, लंबित रहते अंतरित कर देना, ये शर्त पूरी होगी तभी लिस्पेंडेंस के सिद्धांत लागू होंगे, अदरवाइज नहीं। तो मेरे बच्चों याद हो रहा है शुरू से लेके अब तक, सबसे पहले आप क्या बताएंगे लिस्पेंडेंस क्या होता है, फिर उसके बाद वो मैक्सिम पेंडेंटे लाइट निहिल इनोवेचुरली, फिर उसके बाद बताना हो तो बता दीजिए कि बेलामी वर्सेस सेवाइन के केस में से ये आया है, लॉर्ड जस्टिस टर्नर थे और उन्होंने बात कही थी उसके संबंध में निर्णय दिया था। उसके अलावा आप फिर उसके बाद एम बताएंगे, उसका ऑब्जेक्ट क्या है, क्यों आखिर ये नियम है, इसलिए ताकि दूसरे पार्टी के राइट को प्रोटेक्ट किया जा सके, इंडलेस लिटिगेशन को रोका जा सके, दुखवाद या कार्यवाही के दुरुपयोग को रोका जा सके, इसलिए व्यवस्था की गई, क्या आवश्यक तत्व होंगे, क्या क्या शर्तें होंगी, तो प्रॉपर्टी से संबंधित डिस्प्यूट पेंडिंग हो, प्रॉपर्टी कैसी हो, इमोवेबल हो, किस प्रकार के कोर्ट में पेंडिंग हो, कॉम्पिटेंट कोर्ट में पेंडिंग हो, एक पार्टी ने लंबित रहते उसको ट्रांसफर कर दिया हो, दोनों के बीच कोलूजन न हो, और एक के ट्रांसफर करने से दूसरे का राइट, तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि ये धारा लगने लायक है। सही है, देखो बेटा क्लियर है, मैं जानता हूं आप लोगों के पास दिमाग है तो क्लियर तो रहेगा ही, क्लियर तो आप लोग कर ही लेते हैं, लेकिन
कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि दिमाग में से वो मेटीरियल क्लियर हो जाता है, ये भी तो मैटर है ना। समझ तो गए, लेकिन पता चला 2 दिन बाद सब क्लियर। तो वो खतरा वाला रहता है, इसलिए मैं कहता हूं याद कर लिया करिए। याद करने में और समझ जाने में इतना ही अंतर है कि हमको ला बहुत पता है और एक आदमी का सिलेक्शन हो जाता है, उसको ला हो सकता है ना पता। तो उसको सोसाइटी में जितनी इज्जत मिलेगी उतना ही अंतर है कि हमको समझ में आ गया और हमको याद हो गया। कभी कभी कोई चीज न समझ में आए, कोई बात अपने समय पर समझ में आ जाएगी। नहीं समझ में आ रही ना, उसको इतनी बार पढ़ के रट जाओ कि फिर अपने आप समझ में आ जाएगी। एक समय आएगा जब आपको समझ में आएगा। तो जरूरी नहीं कि हर बात को एकदम पहली बार में समझने की ही कोशिश करें। कभी कभी ऐसा होता है हर चीज क्लियर नहीं कर सकते, खासतौर से लॉ में। बहुत से लॉ में इग्नोर भी करना पड़ता है बहुत सी चीजों को। हम पढ़ते पढ़ते जा रहे हैं, लग रहा है अरे यहाँ ऐसा कैसे प्रोविजन है, अभी वहां तो ये बता रहा था। दिमाग में 3 तरह की चीजें घूम रही हैं कि ये तो लॉ सीधे गलत है, एक जगह ये बता रहा है, एक जगह ये बता रहा है। फिर भी दिमाग मत ज्यादा लगाइए, जो हाँ ऐसा प्रोविजन हो, अगर कुछ मेहनत से क्लियर हो पाता है तो ठीक है कर लीजिए, नहीं तो आगे बढ़िए। जब आपका दिमाग उतना मेच्योर हो जाएगा ना, तो वो बात भी समझ में आ जाएगी ऑटोमेटिकली, किसी को समझाने की जरूरत। लेकिन जब तक उतनी मेच्योरिटी दिमाग की नहीं है, तब उसमें तमाम तरीके के साइड इफेक्ट दिखेंगे। जैसे बूस्टर डोज लगवा लिया हो आपने और बुखार आ रहा, यही होता है ना। तो शरीर वो सहने के लिए वही तैयार नहीं है, और हम फटाफट सारे प्रोविजन दिमाग में डाल रहे हैं। हाँ, रटने की भी एक कला है, सिलेक्शन के लिए रटना भी बहुत जरूरी है। अब इससे देखते हैं, हम अभी बात कर रहे हैं लिस्ट पेंडेंस यानी कार्यवाही का लंबित होना, लंबित रहते नहीं ट्रांसफर कर सकते। हम कब मानेंगे कि कोई सूट या प्रोसीडिंग पेंडिंग, ये भी तो एक डिस्प्यूट होगा ना, कि सूट या प्रोसीडिंग का pending of a suit or proceeding pending of a suit or proceeding यानी वाद या कार्यवाही का लंबित कब माना जाए। इसके संबंध में एक केस देख लीजिए। फयाज हुसैन खान वर्सेस प्राग नारायण। फयाज हुसैन खान वर्सेस प्राग नारायण की केस। इस केस में बताया गया था कि केस पेंडिंग कब माना जाएगा। दरअसल हुआ ये था, ये 1907 की केस है। ये हुआ ये था कि इस केस के आने से पहले ये बड़ा डिस्प्यूट था कि आखिर केस को पेंडिंग कब माना जाए। एक बार आप स्पष्टीकरण इसमें दिया होगा, वो पढ़ लीजिए, वो आंसर दे देता। बात या कार्रवाई का लंबन इस कारक के प्रयोजनों के लिए जिस तारीख से प्रारंभ हुआ समझा जाएगा, जिस तारीख को सक्षम कि कार्यकाल वाले न्यायालय में वह बात का प्रस्तुत किया गया, यह
क्या वह कार्यवाही संस्कृत की गई और तब तक चलता हुआ समझा जाएगा जब तक उस बात या कार्यवाही का निपटारा अंतिम डिग्री या आदेश द्वारा न हो गया हो और ऐसे ही डिग्री या आदेश को पूरी पुष्टि या उन्मोचन अभी प्राप्त न कर लिया गया हो या तब तक समय प्रवृत्ति विधि द्वारा उसके निष्पादन के लिए विहित किसी अवधि का अवसान के कारण वह अंत भी प्राय न हो गया। क्या समझ में कब से लेकर तो ये इस केस में क्या था, 1907 की केस है। इस केस ने पहले के सभी विरोधाभास को समाप्त, विरोधाभास को समाप्त कर दिया। जिसके परिणाम स्वरूप 1929 में इस धारा में स्पष्टीकरण जोड़ दिया गया। जिसमें यह निश्चित किया गया कि वाद पत्र के फाइल किए जाने से लेकर वाद पत्र समझो ना प्लेंट के फाइल किए जाने से लेकर उसके अंतिम विनिश्चय तक की कार्यवाही पेंडिंग ही मानी जाएगी। समझ में आई बात? विरोधाभास क्या होता है ना, कंट्राडिक्शन, कंफ्यूजन। फयाज हुसैन खान वर्सेस प्राग नारायण की केस, ये केस भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे पहले बड़ा डिस्प्यूट था, क्योंकि कोई लॉ तो थी नहीं जो ये बता दे कि आखिर पेंडिंग कब से कब तक रहेगा। लॉ में बता दिया गया कि नहीं, 1882 में जब टीपीए लागू हुई तो उस समय बता दिया गया कि नहीं, कि अगर केस पेंडिंग होगा तो उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते प्रॉपर्टी को। तो पेंडिंग कब होगा ये भी तो क्लियर होना चाहिए, यही नहीं क्लियर है। तो जो जिस केस में कोर्ट कह देती थी जैसा वैसा मान लिया जाता था। क्या कहती है, होता यह है कि प्लेंट फाइल करना केस का इंस्टीट्यूशन नहीं होता। अगर हम विधि के विद्वानों से पूछेंगे तो कुछ मामलों में होता कि नहीं प्लेंट फाइल होगा तो मान लेंगे, कुछ वाले में होता कि नहीं, जब तक कि डिफेंडेंट को समन न भेजा जाए तब तक केस पेंडिंग नहीं होगी। फिर उसके बाद कोई कह रहा है कि नहीं, जब तक डिफेंडेंट पहली बार अपीयर नहीं हो जाता कोर्ट में तब तक नहीं मानी जाएगी। कोई कह रहा है कि नहीं, जब तक कि इशू फ्रेम नहीं हो जाते तब तक केस की शुरुआत नहीं होती। तो ये बड़ा कंफ्यूजन था, लेकिन कोर्ट ने जब फयाज हुसैन खान वर्सेस पराग नारायण के केस में कहा तो उसने क्या कह दिया कि नहीं, जिस दिन प्लेंट फाइल हुआ वहां से लेके जब तक फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता, पूरी तरीके से केस को सेटिस्फाई नहीं कर दिया जाता, तब तक माना जाएगा कि केस पेंडिंग है।
और वो जो निर्णय था उसी निर्णय को ही जो 1929 में टीपीए में अमेंडमेंट हुआ तो उसके परिणाम स्वरूप एक एक्सप्लेनेशन जोड़ दिया गया जो अभी पढ़ रहे हैं, और उसमें ये बात लिख दी गई, पहले लिखी हुई थी नहीं। तो 1907 का ये जजमेंट है, उस जजमेंट के सहारे चल रहा था 1929 तक, 1929 में एक्सप्लेनेशन जोड़ दिया गया, तो अब क्लियर हो गया कि सूट पेंडिंग होने का मतलब क्या, जब प्लेंट फाइल होने से लेके लास्ट में पार्टी के सेटिस्फाई हो जाने तक जो केस पेंडिंग ही माना जाए। एक और चीज बताने जा रहे हैं, वो भी आपके परीक्षा के लिए जरूरी है कि क्या प्रॉपर्टी के ट्रांसफरी को सूट के पेंडिंग होने की नोटिस जरूरी है, अच्छी बात है और तैयारी हो जाएगी आपकी। तो कोई बच्चा जब शुरू करता है ना पढ़ने में कैसे कैसे स्टेज आते हैं, पढ़ाई शुरू करते हैं तो आप बैठ के करते हैं ना, लगता है थोड़ी सी कमर सीधी कर ले तो फिर उसके बाद ऐसे मुद्रा में होते हैं, किताब ऐसे ही रहती है, फिर उसके बाद पूरा स्लो हो जाता है, किताब ऐसे आ जाती है, फिर किताब बगल में चली जाती है, आराम का अंत तो है नहीं। तो जो बच्चे पहले शुरू शुरू में कहते हैं कि नहीं सर हमको ऑनलाइन पढ़ना, जोश रहता है, फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद लगता है कि सारी तो पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन, तो ये काम घर भी बैठ के किया जा सकता है, आने जाने का समय ये वो तमाम चीजें, कैलकुलेशन बहुत होगा फिर। तो कहेंगे नहीं घर ही बैठ के पढ़ लेते हैं और सब सर से सप्ताह में एक दिन जाके मिल लिया करेंगे, डाउट क्लियर कर लिया करेंगे, फिर कुछ दिन में लाइव क्लास करेंगे, फिर कुछ दिन में वो क्या करते हैं लाइव हो नहीं करते, फिर रिकॉर्डेड क्लास कर वैसे ही जब बच्चे नया नया एडमिशन लेते हैं ना तो शुरू शुरू में लाइव करते हैं, सब लाइव आएंगे, पर ऐसा हो ही नहीं सकता कि बच्चा शुरू करे और बहुत जरूरी ना हो लाइव क्लास में, कुछ दिन तक लाइव करेगा फिर उसके बाद रिकॉर्डिंग पर आ जाएगा, आराम चाहिए ना। और रिकॉर्डिंग करने में दो फायदे, एक तो ये तो स्पीड बढ़ा के देख लेते हैं, और दूसरी बात ये भी है कुछ बच्चों का डाटा भी बचता है। लाइव क्लास में आप डाटा को मतलब क्वालिटी खराब करके नहीं देख सकते, उसमें लाइव क्लास में डाटा ज्यादा लगता है, लेकिन रिकॉर्डेड क्लास में आप डाटा को कम करके देख सकते हैं। अब कुछ बच्चे सोच रहे अरे ये बात तो हमको पता ही नहीं थी, कल से हम भी अब रिकॉर्डेड देखेंगे। जबकि रिकॉर्डेड क्लास रिकॉर्डेड ही है, जब तक आप उसके लिए अनुशासित नहीं, तो सीधी सी बात है किसी चीज के लिए आप जितनी बड़ी कीमत देते हैं उस काम के प्रति उतना ज्यादा रिस्पांसिबल होते हैं, सीरियस। जब किसी चीज के लिए आप अपना समय देंगे तो उसके लिए आप वो चीज आपको रिटर्न में भी उसी हिसाब से मिलेगा, आप समय नहीं देंगे स्पीड बढ़ा के देखेंगे तो जितनी स्पीड से दिमाग में आती है ना उसी स्पीड से वो बाहर भी जाती है। कभी भी देखेंगे कि अगर कोई अच्छा टीचर है तो ये नहीं कि एक घंटे की क्लास है तो एक घंटे पढ़ा ही रहा है, एकदम सेकंड शुरू हुआ नॉन स्टॉप, और जैसे यूट्यूब की पढ़ाई देखें आप लोग, कभी भी लाइव यूट्यूब की पढ़ाई ऐसी होती है जिसमें बकवास नहीं होती, टीचर एकदम नॉन स्टॉप आएगा शुरू होगा और 59वें मिनट तक लगातार बोलता रहेगा,
ऐसे पढ़ाई कभी होती है। अब ये एक जरूरी चीज कि क्या प्रॉपर्टी के ट्रांसफरी को, ट्रांसफरी कौन, जिसने प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया है ना, हाँ अच्छा, जिसको कर दिया है, ठीक है। तो ट्रांसफरी का मतलब जिसे प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा रही है। अब ये जो हम लोगों ने यहां पर देखा था, यहां पर जो देखा था कि एक प्रॉपर्टी है और दो लोगों के बीच में है और ये ट्रांसफर कर दी गई सी को, ट्रांसफर ही हुआ सी। अब प्रश्न ये है कि सी को अगर ये बात पता है कि इस प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट पेंडिंग है और इसको पता नहीं है कि इस प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट है, क्या प्रभाव पड़ेगा ट्रांसफर? इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा कि पता है तब ये लिस पेंडेंस का रूल लागू नहीं होगा, नहीं पता है तो लागू होगा, ऐसा कुछ होना चाहिए कि नहीं? इसको जानकारी थी कि केस पेंडिंग है फिर भी प्रॉपर्टी को खरीदा, एक स्थिति ये कि इसको जानकारी ही नहीं, क्या असर होगा? अभी मैं बताऊंगा भी ना तब भी आपको भूलेगा, क्योंकि पूरा टीपीए गुड फेथ पर आधारित है ना। देखेंगे आप जितने भी ट्रांसफर होंगे उसमें यह है कि अगर कोई ट्रांसफरी है और उसने कंसिडरेशन दे के गुड फेथ में प्रॉपर्टी प्राप्त की है तो ये पूरा टीपीए उसको, उसके राइट को प्रोटेक्ट करता है। अभी तक जो पढ़े होंगे उसमें यही पढ़ा होगा कि अगर उसने गुड फेथ में बिना किसी नॉलेज के अगर किसी प्रॉपर्टी को ले लिया है कंसिडरेशन दे के तो उसके राइट को प्रोटेक्ट करता, यहां उसके राइट को प्रोटेक्ट नहीं करता। इस धारा के अंतर्गत इस व्यक्ति को नोटिस है अथवा नोटिस नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, इसको फायदा हो गया। अभी बताते हैं, नहीं बताते हैं, उसका परिणाम बताएंगे। एक केस है, गुरु स्वामी नाडार वर्सेस पी लक्ष्मी अम्मल। गुरु स्वामी नाडार वर्सेस पी लक्ष्मी अम्मल। गुरु स्वामी नाडार वर्सेस पी लक्ष्मी अम्मल में सुप्रीम कोर्ट की एक केस है और इस केस में कोर्ट ने कहा था कि यह सिद्धांत, यह जो प्रिंसिपल है पब्लिक पॉलिसी यानी लोक नीति पर आधारित है, ये भी एक अंडरलाइन कर लीजिएगा, फ्री में होता है कि किस पर आधारित है ये 52। तो पब्लिक पॉलिसी यानी लोक नीति पर आधारित है, इससे या इसलिए ट्रांसफरी को केस के पेंडिंग होने की सूचना होने या न होने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता,
नहीं पड़ता। अब समझ में आ गई बात में कि ये पब्लिक पॉलिसी के सिद्धांत पर आधारित है, इसलिए सूचना होने या होने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उनको है तब भी ये सिद्धांत वैसे ही लागू होगा, और नहीं है तब भी ये सिद्धांत वैसे ही। अच्छा, क्या ये पंचायत कार्यवाहियों पर भी लागू होता है? पंचायत कार्यवाही क्या है? माध्यस्थम कार्यवाही में ही पंचायत दिया जाता है ना भाई। न्यायालय जो है वो निर्णय देती है, डिक्री देती है, और ये आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग में निर्णय डिक्री तो होती नहीं है, वो अवार्ड दिया जाता है। अवार्ड मतलब वो वाला अवार्ड मत समझ लीजिएगा, मैग्सेसे अवार्ड। ये अवार्ड का मतलब है उसके डिसीजन को अवार्ड कहा जाता है पंचायत। तो क्या इसमें भी लागू होता है? यस, आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग में भी लागू होता है। अब चलिए देखते हैं कि आखिर इसका परिणाम क्या होगा। चलिए मान लीजिए कि कोई प्रॉपर्टी इतनी देर से ये प्रोविजन मना कर रहा है कि मत ट्रांसफर करो, मत ट्रांसफर करो, लेकिन ट्रांसफर कर ही दिए। अब क्या होगा? चलिए इसको मैं समझा देता हूं, ताकि आज के बाद आप लोगों का इस बात लेके कंफ्यूजन अगर होगा दिमाग में तो वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि कुछ इसका एक उत्तर नहीं है। क्या है उत्तर? और आपने दे दिया। अब ये है प्रॉपर्टी, और उस प्रॉपर्टी को लेके डिस्प्यूट ए और बी के बीच में है। सारे इसेंशियल कंप्लीट हो रहे हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इस इमूवेबल प्रॉपर्टी से संबंधित केस जो है कंपिटेंट कोर्ट में पेंडिंग है। एक ट्रांसफर करता है जिससे दूसरे के राइट को प्रभावित होता है। अब हुआ ये कि मान लीजिए इस प्रॉपर्टी को सी को ट्रांसफर कर दिया है। केस के पेंडिंग रहते किसने ट्रांसफर किया? ए ने ट्रांसफर किया। अब जब कोर्ट का डिसीजन आया, कोर्ट का निर्णय आया, कोर्ट की डिक्री आई, और ये डिक्री में ये कहता है कि ये इस प्रॉपर्टी का हकदार ए है, ए के फेवर में डिक्री आई, या फिर ये डिक्री बी के फेवर में आई, तो अब बदल जाएगा ये इसका परिणाम। अगर फेवर में ए के आई तो ये ट्रांसफर वैलिड हो गया, क्यों? तुम्हें बेचा था ना, क्यों वैलिड हो गया? यहां भी लागू होता है रूल ऑफ स्टोपेल, इसीलिए वैलिड हो जाता है। यानी विबंध स्टोपेल जानती ना, स्टोपेल का नियम लागू होता है कि एक बार जब तुमने अपनी बता के ट्रांसफर की तो अब तुम अपनी बात से पीछे नहीं हटते। तो जब तुम ट्रांसफर कर दिए तो कर दिए, बात खत्म। तो यहां क्या हुआ, जिसने ट्रांसफर किया उसी के फेवर में अगर जजमेंट आया तो वो ट्रांसफर वैलिड होगा, लेकिन अगर ट्रांसफर इसने किया और प्रॉपर्टी जजमेंट जो है बी के फेवर में आ गया, तब ये ट्रांसफर क्या हो जाएगा? ट्रांसफर जो होगा वो वॉइडेबल होगा, वॉइड अभी भी नहीं है, ये वॉइडेबल। वॉइडेबल का मतलब ये है कि अब ये बी के डिस्क्रिशन पर है कि या तो वो ट्रांसफर को वैलिड कहे या तो वो उस ट्रांसफर को वैलिड ना कहे।
ये इसके डिस्क्रिप्शन पर है, इसीलिए इसके ऑप्शन पर ये वायडेबल है कि चाहो तो इन्होंने जो बेच दिया है कर दो कि बेच दिए ना ठीक किए कोई बात नहीं हमको भी बेचने का पैसा उसका दे दो काम खत्म करो मतलब जो किए हो ठीक किया या फिर कहे कि नहीं हमको बेचना ही नहीं है हमको हमारी संपत्ति तब वो प्रॉपर्टी बी को मिल जाएगी वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर क्या हो जाएगा खत्म बात हो जाएगी। अब बात है कि इसका क्या होगा बेचारे का इसको तो बताया ही नहीं गया था इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनको ये बात पता थी अथवा नहीं इसका हक है और ये ले लो। एक बात और कि अगर मान लीजिए प्रॉपर्टी इसके यहां से रिटर्न हो जाती है तो क्या होगा अगर प्रॉपर्टी यहां से रिटर्न हो जाती है तो सी क्या करेगा ए पर करेगा कॉमन सेंस है ए पर फाइल करेगा कि कहा हो है? का हो तो ये उनसे ले लेगा। लेकिन हुआ ये था कि जब प्रॉपर्टी इसके पास आई थी इसको लगा कि हमारी है निश्चिंत था और इस पर्पस से उस प्रॉपर्टी में उसने कुछ बढ़ोतरी कर दी कुछ सुधार कर दी। तो क्या बी जब प्रॉपर्टी उससे लेगा तो उसे उसको वापस करने की जरूरत है कि नहीं मेरा बात समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये एक घर था ये जो इमोवेबल प्रॉपर्टी है ये एक घर था पुराना टूटा फूटा सा था उसने पैसे लगा के बढ़िया एकदम संगमरमर लगवा दिया सब जगह फर्स्ट क्लास लगा के हमारा है तब से केस का डिसीजन आ गया कि बी के फेवर में बी ने ले लिया तो क्या होगा है? बेरक्ट है ना सेक्शन 51 देखिए क्या लिखा है मार्जिनल हेडिंग पढ़िए तो पढ़िए उसकी लाइन पूरी हाँ रुक जाइए आराम से जबकि स्थावर संपत्ति का अंतरिति सद्भाव पूर्वक पढ़िए विश्वास करते हुए कि उस पर उसका अत्यंतिक हक है संपत्ति में अभिवृद्धि करता है किंतु पीछे बेहतर हक रखने वाले किसी व्यक्ति द्वारा वह उससे बेदखल कर दिया जाता है तब बेदखल करने वाले व्यक्ति से यह अपेक्षा करने का अंतरिति को अधिकार है कि वह या तो अभिवृद्धि के मूल्य को प्रकलित कराए और उसे अंतरिति को दिलाए या प्रतिभूति कराए अथवा अपने उस हित को जो संपत्ति में उसे हो ऐसे अभिवृद्धि के मूल्य को दृष्टि में लाए बिना अंतरिति तत्कालीन बाजार भाव पर बेच दे। समझा गई बात। अब ये बेचारा सोचा कि हमारी अब हो गई तो उसने साल दो साल में उसको बहुत बढ़िया बनवा दिया लेकिन कह रहा ना कि गुड फेथ में अगर किसी प्रॉपर्टी को पाने वाला व्यक्ति है उसे लग रहा है कि हमारी है इसलिए उसने उसमें सुधार करा दिया लेकिन उससे बेहतर हक वाला व्यक्ति उससे वो चीज ले लेता है इसका बेहतर हक हुआ ना उस प्रॉपर्टी ले लेता है तो वो तभी ले पाएगा जब उस व्यक्ति को वो खर्चा या वो जो कुछ भी एक्स्ट्रा लगा है उसको वापस ये सेक्शन 51 का रूल अभी जो हमने बताया है वो और सेक्शन 51 पर एक मैक्सिम है वो प्री के लिए जरूरी है ही हु सीक्स इक्विटी मस्ट डू इक्विटी ही हु सीक्स इक्विटी मस्ट डू इक्विटी का रूल सेक्शन 51 पर है ठीक है मस्ट डू इक्विटी मतलब साम्या चाहने वाले को साम्या बरतनी हो साम्या चाहने वाले को साम्या बरतनी हो अब इसका क्या मतलब आप हमसे अच्छे आचरण की अपेक्षा करते हैं तो आपको भी अपना आचरण अच्छा रखना आप चाहते हैं ना कि मैं आपकी प्रॉपर्टी दे दूं आपको तो आपको भी ये जो हमने खर्चा किया है वो आपको देना पड़ेगा यही है ही हू सीक्स इक्विटी मस्ट डू इक्विटी आप अच्छा चाहते हैं तो आपको अच्छा अब ऐसा नहीं कि आप हमसे गाली देके बात करेंगे हम आपसे जी जी करके बात
मैं भी वैसे ही बात कर। ठीक, अब परिणाम में एक केस लिख लेते हैं। थॉम्स परिणाम में एक तो केस है थॉम्सन प्रेस। थॉम्सन प्रेस वर्सेस नानक बिल्डर्स। थॉम्सन प्रेस वर्सेस नानक बिल्डर्स। इसके जजमेंट को लिख लीजिए। इस केस में सिर्फ 2013 की केस है। इस केस में कोर्ट ने, ये सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि ऐसे मामलों में, पूरा क्या लिखाऊं मतलब समझ जाइएगा, ऐसे मामले मतलब अगर केस पेंडिंग है और उसको ट्रांसफर कर दिया, ऐसे मामलों में ट्रांसफर अपने आप इनवैलिड नहीं हो जाता। ऐसे मामलों में ट्रांसफर अपने आप इनवैलिड नहीं हो जाते। अपने आप इनवैलिड नहीं हो जाते, ये न्यायालय के निर्णय के अधीन होते, सब्जेक्ट टू द डिसीजन ऑफ द कोर्ट, न्यायालय के निर्णय के अधीन होते। और प्रभावित पक्षकार के विकल्प पर शून्यकरणीय यानी वायडेबल होते। प्रभावित पक्षकार के विकल्प पर शून्यकरणीय होते यानी वायडेबल एट द ऑप्शन ऑफ अफेक्टेड पार्टी। अब दोनों बातें समझ में आ गई ना। इसने कहा कि देखो भैया अपने आप शून्य नहीं हो जाएगा, क्या होगा, अपने आप शून्य नहीं होगा, ये एक तो है कि न्यायालय के निर्णय के अधीन होगा, अब जैसा निर्णय आएगा उसी के हिसाब से तय होगा, और दूसरी बात ये कि दूसरे पक्षकार, दूसरा मतलब जो प्रभावित हो रहा है, तो प्रभावित पक्षकार यानी दूसरे पक्षकार के विकल्प पर वायडेबल होगा। अब उम्मीद है कि ये टॉपिक आप लोगों का क्लियर हो गया होगा अच्छे से। अब इसमें अब यही सब चीजें हैं जो लॉजिक के साथ अगर पता हो तो क्वेश्चन प्री में भी गलत नहीं होते, अदरवाइज प्री की जो सीढ़ी है वही हम पार नहीं कर पा रहे हैं। अभी मैं कल कुछ बच्चे हमारे पास आए थे, उनको मैं यही समझा रहा था, हालांकि हमारा समझाना भी बहुत बुरा होता है। डॉक्ट्रिन ऑफ लीज पेंडेंस यानी प्रॉपर्टी के संबंध में जो डिस्प्यूट है, उस डिस्प्यूट को अगर डिस्प्यूट है और उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दिया तो क्या होगा इसका परिणाम, यही सारी चीजें हम लोगों ने देखी थी। लिस्पेंडेंस है, फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि बिलामी वर्सेस सेवाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बिलामी वर्सेस सेवाइन के केस से आया था। और मैक्सिम जो है पेंडेंटे लाइट नहीं लो नोचूर, यानी जब भी कोई केस पेंडिंग होगा किसी राइट को लेके तो कोई नई चीज लागू नहीं की जाएगी। ऑब्जेक्ट क्या है कि टू अवॉइडिंग द इंडलेस लिटिगेशन, मतलब इसका उद्देश्य ये है, इस पर्पज के लिए किया जाता है। एसेंशियल क्या है, ये सारी चीजें आपने देख ली, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज इसमें से समझ लीजिए कि इंपॉर्टेंट है। हम नहीं कह सकते कि ये फयाज हुसैन खान वाली केस इंपॉर्टेंट नहीं है, है ना। यहाँ पर गुरु स्वामी नाडार की केस भले आप भूल जाइएगा,
लेकिन इसके जजमेंट को नहीं भूलना है कि पब्लिक पॉलिसी पर बेस्ड है और सूचना से कोई फर्क नहीं पड़ता, होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग पर लागू होता है कि नहीं होता है उतना इम्पॉर्टेंट बात नहीं है, लेकिन परिणाम बहुत इम्पॉर्टेंट है। परिणाम क्या होगा? ट्रांसफर जो है वैलिड हो जाएगा कब? जब जिसने ट्रांसफर किया उसी के फेवर में जजमेंट आ जाए तो, और दूसरा क्या है, उस दूसरे के फेवर में आएगा तो उसके ऑप्शन पर वायडेबल। अब ये थॉमसन प्रेस वर्सेस नानक बिल्डर की केस इंपॉर्टेंट भले नहीं है, लेकिन इसका जजमेंट इंपॉर्टेंट कि निर्णय के अधीन होना और प्रभावित पक्षकार के ऑप्शन पर वायडेबल। तो उस ट्रांसफर से प्रभावित पक्षकार है, उस जजमेंट से प्रभावित पक्षकार नहीं। ट्रांसफर से प्रभावित पक्षकार वो है दूसरा। ये ट्रांसफर किए तो अगर सब सही है था तो फिर क्या दिक्कत है? ट्रांसफर से प्रभावित पक्षकार दूसरा है, अब उसके ऑप्शन प्रोवाइडेबल। अभी मैं कल यही बता रहा था कि जैसे हम लोग बहुत चिल्ला रहे हैं वैकेंसी नहीं आ रही, वैकेंसी नहीं आ रही,